सत्संग जी प्यार से कहना धन गाजी। आज संसार में जहाँ भी एक नज़र घुमा के देखें तो वही बात आती है कि हर एक इंसान यही चाहता है कि पूरे विश्व में शांति हो, सुकून हो। एक वो भावना कि हर कोई एक सुकून से जिए, एक अपने जीवन में किसी के परेशानी ना हो, कोई किसी और को परेशान ना करे। तो बात वही आती है कि हम अगर कोई दायरा देखें, चाहे वो अपने घर परिवार या अपने मित्रों का ही देखें, तो बात वही कि हम जहाँ होते हैं उधर सुकून मिलता है कि नहीं। और अगर और डीपली इसको अंदर तक सोचें तो बात वही कि हम अपना सुकून अपने साथ ही कैरी करते हैं। तो वही बात कि अगर हम सुकून में हैं तो जहाँ भी जिससे भी मिलेंगे वही चैन हर एक को दे पाएंगे। वरना तो हाल वही है कि खुद अगर बेचैन है, मन में उथल पुथल है, तो ना तो हमें किसी भी जगह, चाहे वो प्रकृति में भी चले जाएं, सुंदरता के बीच भी चले जाएं, तो भी वो नहीं मिलेगा। और अगर मन में सुकून है तो जहाँ बहुत शोर व गुल है उधर भी एक आराम से जिएंगे। तो बात वही है कि हम मनुष्य हैं तो मानवीय गुणों से युक्त हों, पूरे संसार के लिए वरदान बने। और अगर एक अपने ही दिल में मानवता नहीं है तो ये चैन अमन सुकून भी नहीं होगा, और ना हमारे अंदर होगा तो और कहीं से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि है सामने वाले में हो। पहले खुद सुकून बनना होगा तो ही हर तरफ सुकून का एहसास किया जाएगा। और सबसे बड़ा सुकून ये परमात्मा, तो ये परमात्मा को जानकर इसके साथ जुड़ें, ताकि वाक्य में ये हर जगह हर समय के लिए परमात्मा के ही दर्शन हों। और साथ ही फिर अपने दिल में जहाँ हम खुद प्यार बन जाएंगे, वहाँ एक कामनेस, एक पीस, एक सुकून का भाव रहेगा। और ये हर जगह हर समय जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ साथ चलता रहेगा। और फिर वो जो रिपल इफ़ेक्ट होता है तो वो शुरुआत होते होते पूरे एक अपने घर परिवार, अपने प्रियजनों के दायरे से फिर और फैलता हुआ एक पूरे अपने शहर, अपने स्टेट, अपने देश, फिर अपने वर्ल्ड तक ये चलता ही जाएगा। तो हमें अपना योगदान यहाँ एक आग बुझाने वालों वाला बनना है, संसार में आग लगाने वाला नहीं। तो हर एक को ये परमात्मा निराकार शक्ति बख्शे कि पूरे संसार के लिए सेवा भाव समर्पित होके करते चले जाएं। एक मन में पहले खुद शांति सुकून का एहसास करें, ताकि हर तरफ वो फिर एक ऐसा ही भाव देखने को मिले। सत्संग जी धन्य गाजी।